नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो क्राइम फ्लैश में और मैं हूं तन्या सागर। हरियाणा के भिवानी में पूर्व छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या तब की गई जब वो एक्सरसाइज करने जिम गया हुआ था। आरोपी अभी तक फरार है मगर पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिल्ली के हस्तशिल्प संग्रहालय से उम्दा किस्म की 16 शॉले चोरी हो गया, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। ताजुब की बात तो यह है कि जब ये शॉले चोरी हुई उस समय कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था। दिल्ली से सटे नोएडा में एक बाप ने अपनी ही बेटी को बनाया हवस का शिकार। उसने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब उसकी बीवी घर में मौजूद नहीं थी। पहले तो उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट की, बाद में अपनी बेटी का रेप किया। महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है। छत्तीसगढ़ में अभी एक डर्टी सिटी कांड खत्म हुआ नहीं थी कि एक और डर्टी सिटी कांड सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह का एक डर्टी सिटी बनाया गया है, जो बस अब सोशल मीडिया पे वायरल करना बाकी रह गया है। पुलिस ने अपनी पूरी नजर ये डर्टी सिटी पे बना रखी है। यूपी के इस्लामानगर में एक विधवा ने जब रेप का आरोप किया तो उसे जिंदा जला दिया गया। जलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का ही देवर था। देवर के खिलाफ FIR तो दर्ज करा दी मगर वो अभी तक फरार है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वॉइस ऑफ पीपल।